I love you, Purvi. मैं प्यार करता हूँ तुमसे. मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ. मेरी बेटी की सगाई मेरे दोस्त जीके के बेटे अर्जुन किर्लोस्कर के साथ हो रही है. मेरी बहन ओबी और ओबी ये है पूर्वी. Well, ये मेरी बहन तो नहीं है लेकिन बहन से कम भी नहीं है. अच्छा तो तुम पूर्वी हो. पता है ओबी तेरे उस मशीन मैन तेरे उस अर्जुन ने ना पूर्वी को बहुत तंग किया है. बहुत काम करवाता था उससे. बड़ा सताया सिर्फ. नो वंडर पूर्वी तुम अर्जुन को बहुत हेट करती हो राइट. तेजू तू तो जानती है ना अर्जुन को. वो कितना वर्कोहोलिक है. यू नो कभी कभी वो काम की वजह से दूसरों को क्या मुझे भी भूल जाता है. बट आई नो कि वो मुझे बहुत प्यार करता है. और मैं तो उससे बचपन से ही प्यार करती हूँ. Isn't that funny? तुम एक ही लड़के से इतने साल तक कैसे प्यार कर सकते हो? बोर नहीं होते? तेजू stop it. कम से कम आज के दिन तो नहीं. आज मेरी engagement है. Sorry Barbie doll. वैसे ना तूने बहुत अच्छा किया कि तू इंडिया आ गई. क्योंकि अर्जुन के तो मुझे कनाडा जाने के कोई आसार दिखाई दे नहीं रहे थे. जब वो कनाडा से निकला था तो उसने बोला था वापस लौट के मैं तुझसे एंगेजमेंट करूंगा. लेकिन मुझे लगता है यहाँ आके ना उसने अपने काम से एंगेजमेंट कर लिया. जो भी है पर मैं तो बहुत खुश हूँ. ये बाबा और जीके अंकल का जो सुपर आइडिया है ना उससे तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ. I'm so sorry. मैंने क्या तुम्हें किसी की याद दिला दी? नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं. डोंट वरी, तुम्हारे लाइफ में भी जल्दी कोई आ जाएगा जैसे मेरे लाइफ में अर्जुन है. कांग्रेट्स. थैंक यू सो मच. बेटा आज मैं बहुत खुश हूं लेकिन तुम कुछ परेशान लग रहे हो. काफी देर से देख रहा हूं मैं. कुछ चल रहा है तुम्हारे मन में. कुछ बताना है मुझे. ये अंकल एक मिनट. एक मिनट. कनाडा. हाय. तू फोन करने वाला था ना. मैं तेरा इंतजार करते बैठी और तूने फोन ही नहीं किया. अच्छा वो जाने दे. तुम्हारा कैसा चल रहा है बेटा? तेरा आशीर्वाद. यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया. एक मिनट रुक. ओबी से बात कर. ओबी. एक मिनट. आजी. हेलो आजी. बेटा कैसी है तू? सगाई की ढेर सारी शुभकामनाएं. ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद. थैंक यू सो मच आजी. थैंक यू की बच्ची. तूने इतना सब प्लान किया लेकिन अपनी आजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी ना? आजी एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया ना कि किसी को भी बताने का टाइम नहीं मिला. बट बिलीव मी आजी आपको बहुत मिस कर रही हूँ. हाँ बहुत मिस कर रही है. अर्जुन है क्या? जी आजी. एक मिनट अर्जुन. आजी तुमसे बात करना चाहते. हेलो. हेलो बेटा कैसा है तू? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आजी. देख बेटा सगाई की शुभकामनाएं. हाँ और ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद. और मेरे ओवी का सरप्राइज कैसे लगा बेटा? वो जी सरप्राइज काफी अच्छा था. वो तुम लोगों ने इतना सारा प्लान किया लेकिन हमको बताने की जरूरत नहीं समझी ना बेटा. अच्छा इधर वो तेरा आजे ससुर बैठा है ना उससे बात कर जिसकी वजह से मैं इंडिया नहीं आ पाई.
बात करा बेटा। आजी वो आजी मैं। अरे मैंने तुझे कितनी बार कहा, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। पता भी होता तो क्या करने वाले थे आप? हमेशा बोलते है ना, शराब जितनी बुरी उतनी वो अच्छी। वैसे पासपोर्ट जितना पुराना वैतना है अच्छा। उसमें हमेशा मेरे दारू को कोसती है ना। अरे तुझे क्या पता, दारू जितनी पुरानी होती है ना उतना उसका स्वाद और नशा हजार गुना बढ़ जाता है। अच्छा तो मैं हेलो हेलो अर्जुन हेलो 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 कट हो गया। वो तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं है, उसे पता है आईएसडी कॉल ज्यादा देर तक होल्ड पर नहीं रखते, समझा? ओबी ये है अर्जुन आंटी जिनके साथ मैं रहती हूँ, और ये वही है ना जिन्होंने एयरपोर्ट पे तेरी मदद की थी और जब तू बीमार हो गई थी तो तेरा ख्याल भी रखा था। अरे वाह ओबी, तेरी मेमोरी तो बड़ी शार्प हो गई है, अब लग रहा है कि तू मेरी बहन है। यू नो आंटी, ये जब भी मुझे कॉल करती है तो आधे से ज्यादा टाइम तो सिर्फ आपके बारे में बात करती है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी एंगेजमेंट में आए। अरे कैसे नहीं आते, तुमने इतने प्यार से बुलाया था तो। वो तो इसके कहने पर। ओवी, तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, तुम्हें हर वो खुशी मिलनी चाहिए जो तुम चाहती हो। और तुम्हें पता है ओवी, दुनिया में कहीं ना कोई कोई है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर कि तुम जहां रहो तुम खुश रहो। तुम खुश रहो। तेजू, did you notice? वो आंटी रो रही थी। I mean to say, मुझे समझ नहीं आया वो रो क्यों रही थी। ओबी, मुझे इन लोगों की यही बात तो अच्छी लगती है। I mean, they're too loving and emotional. किसी अनजाने को भी पल भर में अपना बना लेते हैं। Strange. Forget it. Let's go. चल। अच्छा, बेटा ये क्या? इतनी खुशी के माहौल में क्यों रो रही है? अरे, आप ओवी से क्या बात कर रहे थे? मैंने आपको बोला है ना कि मेरी बहनों से दूर रहो। सचिन, मेरी बेटी के साथ किस तरह बात कर रहा है तू? तू रहने देना, नहीं नहीं सारी बात नहीं अर्जुन, मुझे बोलने दे। सगाई का माहौल है इसलिए तू बच गया, वरना अच्छी तरह सिखा देती कि बड़ों के साथ किस तरह बात की जाती है। ओबी, मानव एंड अर्जुन जानन, दादा फैमिली फोटो क्लिक करने का टाइम आ गया, चलिए ना, बस एक आप ही मिसिंग है। क्यों
फोटो निकालनी है। वो देख मुझे ना एक काम याद आ गया। ओहो कोई काम वाम याद नहीं आया, कोई बहाना नहीं चलेगा। चल ना चल 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 जल्दी चल। आंटी आई चलिए ना, आपकी वजह से ना ये फोटो इनकम्प्लीट है। चलिए चलिए। अरे प्लीज देखा पूर्वी गुस्से में आकर गई। मुझे ऐसा लग रहा है उसे उसे पता चल गया तो उसे बुरा लगा। अच्छा लेकिन ये तो होना ही था। हाँ मैं जानती हूँ लेकिन इस तरह बात खुलेगी उसे कितना बुरा लगा होगा। पूर्वी मेरी बात सुनो। पूर्वी लिसन पूर्वी प्लीज मेरी बात सुनो। कैसे चाहते हो तुम? आज तक आए थे सब झूठ कहा तुमने मुझसे। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो है ना, झूठ। फिर तुमने मुझसे कहा कि तुम अपने डैड से हमारी शादी की बात करोगे, वो भी झूठ। आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हो तुम। मुझसे अपने से धोखा किया तुमने। बात तो सिर्फ ये है कि तुम्हारी ओवी के साथ सगाई हो चुकी है। वो सब नहीं, तेरी बात सुनो। तुम्हें और तुम्हें कोई फर्क नहीं अर्जुन, कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। पूर्वी ऐसा कुछ पूर्वी लिसन भी पूर्वी तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत समझ रही हूँ मैं तुम्हें? गलत समझ रही हूँ? आज तक मैं तुम्हें गलत समझती आई थी लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम चाहते थे ना कि तुम्हें कनाडा जाकर ओवी के साथ एंगेजमेंट करनी है, फिर क्यों क्यों अर्जुन क्यों तुमने मुझे ऐसे धोखा में रखा? मुझे तो क्या ओवी बेचारे ओवी जो तुम 14 साल की उम्र तुमसे प्यार करती है तुमने उसको तक धोखे में रखा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शर्म अर्जुन शर्म नहीं आ रही तुम्हें ऐसे बोलते हुए? इस वक्त तुम्हारे हाथ में ओवी के नाम की एंगेजमेंट रिंग है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि ये सच है पूर्वी। ये सच नहीं है। सच ये है कि मैं हमेशा से बेइज्जत होती आई हूँ। जब विनय के साथ मेरी सगाई टूटी तब मेरी बेइज्जती हुई, जब हम दोनों के एंड में बने तब मेरी बेइज्जती हुई और आज तुम भी मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। चुप रहो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आई को कुछ नहीं बताया, नहीं तो आई के साथ मैं ऐसी नौबत तुम पे नहीं आने देता। पूर्वी आई स्वेयर टू गॉड मेरी बात का यकीन करो, ये सगाई ओवी इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने डैड को कब का बताने वाला था लेकिन पूर्वी आज आज उस पार्टी में मेरे डैड की इज्जत का सवाल था। मैं नहीं, मेरी इज्जत का क्या अर्जुन? तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? अर्जुन मैं नहीं चाहती कि इस वक्त हम दोनों में कौन सही है कौन गलत। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज मेरे सारे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया। आई और आजी ने मुझसे तेजू और ओवी की सच्चाई छुपाई और अर्जुन ने तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अनाथ हो गई हूँ। अर्जुन तुमने मुझसे वो हर खुशी वो हर पल छीन लिया जो मेरे प्यार ने मुझे दिए थे।
कितना प्यार है, कितना अपनापन था हम दोनों के बीच में, कितना भरोसा था ये एक दूसरे पर। आज ऐसा लग रहा है जैसे वो प्यार और भरोसा कहीं खो गया, एक पल में ये घर मेरे लिए पराया हो गया है। मैं अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात तुझसे शेयर करती आई हूँ और तूने माफ कर दे प्लीज। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है पूर्वी, लेकिन प्लीज अपनी आई को माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है, मैंने तुझसे बात छुपाई कि तेरी जो मेरी बेटी है मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मुझे ये डर था कि कहीं अगर तुझे ये बात पता चल गई और तूने तेजू को जाकर ये बता दिया तो क्या होगा, अरे रिश्ते खुलकर सामने आ जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहती थी, मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में तेरी आई की बेटियों के लिए कितनी तड़प है, और मुझे यही डर था कि कहीं तू तेजू को ये बता ना दे कि वो मेरी बेटी है। अगर ऐसे होता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती पूर्वी, इसलिए मैंने तुझसे बात छुपाई। मेरी बात सुनना, देख बचपन से तेरा ये सपना रहा है ना कि तेरी आई अपने परिवार के साथ खुश रहे, जाने अनजाने ही सही मेरा ये सपना पूरा हुआ। आज मैं खुश थी पूर्वी, आज मैं खुश थी, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझे इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ पूर्वी, मुझे माफ कर दे। पूर्वी बेटा हमसे गलती हुई, लेकिन लेकिन तेरा दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम जानते ही नहीं थे कि सच्चाई इस तरह अचानक से सामने आ जाएगी। कहता आई मुझे इस बात का दुख है कि तूने मुझसे सच्चाई छुपाई, दुख मुझे इस बात का है कि तू तो मुझे अपना मानती नहीं है, तू ना अपना दुख ना अपनी खुशी मेरे साथ शेयर करती है। तू पागल हो गई पूर्वी, ऐसा कैसे सोच सकती है? मेरी जिंदगी में तू क्या मायने रखती है ये मैं जानती हूँ सिर्फ। मैं तुझे कह रही हूँ ना मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, तू अपने आप को इस तरह तकलीफ मत दे पूर्वी। पूर्वी बोल मुझे क्या हुआ, कोई और बात जो तुम मुझसे छुपा रही है? मुझे बोल कुछ हुआ है क्या पूर्वी, मुझे पता कुछ हुआ है क्या? हाय, बताने को तो बहुत कुछ है मेरे दिल में, लेकिन वो मैं तुझे नहीं बता सकती। तेरी एक बेटी अपने स्वार्थ के लिए तेरी दूसरी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दे आई, मैं चाहकर भी कभी तुझे अपने और अर्जुन के बारे में नहीं बताऊंगी।